राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का उद्देश्य है। सिकली टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश में जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस जन आंदोलन को हरी झंडी दिखाई। टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम के तहत 31 मार्च तक विभिन्न गतिविधियां होंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी के प्रति जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस साल 1,37,000 टीबी के मरीजों की पहचान की गई है। सभी का समय पर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है जिससे देश को टीबी मुक्त किया जा सके। टीबी हारेगा देश जीतेगा और ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी हम लोग टीबी कंट्रोल के लिए पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं। पेशेंट को आइडेंटिफाइड करते हैं, उनका ट्रीटमेंट वहां पर देते हैं। हम लोगों ने हर जगह पर टीबी के जो सेंटर बनाए गए हैं, माइक्रोस्कोप टेस्ट भी हम लोग वहां पर करते हैं। इस साल हम लोगों ने 1,37,000 जो टीबी के पेशेंट थे उनको आइडेंटिफाइड किया है और उनको ट्रीटेड किया जा रहा है। इसके पहले भी इससे ज़्यादा करीब 2,00,000 के आसपास 1,87,000 और 1,33,000 पेशेंटों को आइडेंटिफाइड करके और उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिससे कि टीबी मुक्त हम भारत तय कर सकें।